हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक पर, जो कि जनरल साइंस का है और SCS एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है। तो केमिकल और गैसेस और उनके यूजेस, ठीक है। कई बार सवाल दिया होता है, किसी केमिकल का नाम पूछते हैं कि इसका क्या यूज़ होता है, कई बार उसके कॉमन नेम को भी पूछ लिया जाता है, कई बार गैसेस पे सवाल आता है कि भाई इस गैस का यूज़ कहाँ पर होता है। SCS में ऐसे सवाल कितनी बार आए हैं आप देख सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। और पहला जो नाम है आपका एल्यूमिनियम, तो कॉमन नाम भी इसका एल्यूमिनियम ही है। और इसका इस्तेमाल जो है हीट रेजिस्टेंट क्लोथिंग में होता है। तो सवाल किस तरीके से क्या है वो डायरेक्ट पूछ लेंगे, कोई ऑप्शन दे देंगे चार, इस तरीके से लिखा होगा कि हीट रेजिस्टेंट क्लोथिंग में किसका यूज होता है। और इसके अलावा इसके दूसरे यूजेज भी हैं, जैसे कुकवेयर, ग्रीन हाउस हाउसेस एंड विंडो फ्रेम्स, इन द मेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, लाइट वेट व्हीकल्स एंड लैडर्स, ठीक है। तो हालांकि एल्यूमिनियम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने सारे जो पॉसिबल हैं प्रोबेबल हैं उनको रखने की कोशिश की है, लेकिन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन एसिडिक एसिड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको वाइट विनेगर कहा जाता है, ठीक है। और एसिडली साइक्लिक एसिड जो है इसको एस्पिरिन कहा जाता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो जो आपका एसिडिक एसिड है ग्रोसरी स्टोर फोटोग्राफी स्टोर में यूज होता है। एस्पिरिन का नाम आपने सुना होगा फार्मेसी में। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हार्डवेयर स्टोर में यूज होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लम्बिंग, सोल्डरिंग आयरन और स्टफ एंड यूज अ डार्क केमिकल इन फोटोग्राफी, तो कई सारे इनके यूज हैं, आप बहुत ध्यान से इन्हें लर्न करना। एक क्वेश्चन आने की हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है। और इसके बाद है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, इसको तो आप जानते हैं, विटामिन सी का नाम है आपका। और ऑर्गन, ऑर्गन का इस्तेमाल वेल्डिंग में होता है, कितनी बार आपने देखा होगा कि इस गैस का यूज होता है, बल्ब में यूज होता है। कई बार पूछा जाता है ना, जो आपका येलो कलर का बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें आपकी ऑर्गन भरी होती है। एक है आपका एमाइलोज, एमाइलोज जो है आपका ग्रोसरी स्टोर में यूज होता है। और उसको कॉर्न स्टार्च कहते हैं, आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए कि कॉर्न स्टार्च किसको कहा जाता है, एमाइलोज को पक्का याद होना चाहिए। अमोनियम फॉस्फेट, इसका यूज फर्टिलाइजर में होता है, फर्टिलाइजर में होता है और यूज इन फर्टिलाइजर इन गार्डन्स एंड एग्रीकल्चर लैंड्स। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का एक नाम और है आपका फ्लोक्यूलेटिंग पाउडर। फ्लोक्यूलेटिंग पाउडर पूछा जा सकता है किस केमिकल को कहते हैं, और उसका हाउस होल्ड यूजेज है, और आपका है आपका स्टाइगमेटिक पेंसिल, गार्डनिंग, वाटर ट्रीटमेंट में यूज है, पेपर मेकिंग और डाइंग फैब्रिक्स। तो पेपर मेकिंग और फैब्रिक्स को डाई करने में यूज होता है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, पक्का याद होना चाहिए। एसिटिलीन गैस तो आपको पता ही होगा, इसका इस्तेमाल जो है कई जगह पर होता है, वेल्डिंग में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, वेल्डिंग में ज़्यादा पूछा गया है। बाकी कार्बोराइजेशन, कार्बोराइजेशन में यूज होता है पोर्टेबल लाइटिंग, मास स्पेक्ट्रोमीटर और रेडियो कार्बन डेटिंग में भी यूज होता है। ये यूज आपको आज ही पता चले होंगे, वेल्डिंग आप पहले से जान रहे हो, लेकिन उसके अलावा वेल्डिंग पर शायद सवाल ना पूछेंगे, कई बार आ चुका है। तो आपका जो है कार्ब्यूराइजेशन और पोर्टेबल लाइटिंग और रेडियो कार्बन डेटिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर में यूज होता है एसिटिलीन का। और उसके बाद आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका यूज आपका हेयर केयर में, एक्सप्लोजिव में यूज होता है, प्लास्टिक में होता है, फर्टिलाइजर्स में होता है, शेविंग क्रीम में होता है, ठीक है, देखो बहुत ध्यान से करने की कोशिश करना। मेटल के क्लीनर में होता है, ठीक है, मेटल क्लीनर में होता है और एक्ने ट्रीटमेंट में भी होता है, शेविंग क्रीम, एक्ने ट्रीटमेंट, मेटल क्लीनर, पॉलिशेज में भी यूज होता है, ठीक है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आपको आप दो सवाल भी आपको मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं, एक तो मिलेगा ही, तो आप अच्छे से कर लीजिए, याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम पोटासियम सल्फेट, तो वाटर प्योरीफिकेशन बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम LMB बोलते हैं, वाटर प्योरिफिकेशन और स्किन वाइटनर में यूज होता है, सम टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट पेस्ट में भी यूज करते हैं, ठीक है, और फ्लेम रिटार्डेंट में भी यूज होता है। अमोनियम ब्रोमाइड, तो फायर प्रूफिंग ऑफ वुड, अमोनियम ब्रोमाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमोनियम ब्रोमाइड को अमोनियम ब्रोमाइड ही कहा जाता है। अमोनियम कार्बोनेट, स्मेलिंग सॉल्ट, तो स्मेलिंग सॉल्ट पूछा जा सकता है क्या होता है, तो अमोनियम कार्बोनेट को बोलते हैं। और कफ सिरप में यूज होता है,
कफ सिरप में यूज होता है। इसके अलावा एसीटोन और स्किन लाइटनिंग, एसीटोन स्किन को लाइट करने के लिए के बाद में करना आपने देखा होगा, और बाथ और फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट में भी आपका यूज होता है। तो स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट में यूज होता है, एसीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनियम बायोफ्लोराइड, तो ये है आपका ग्लास प्रोसेसिंग, और टॉयलेट बाउल क्लीनर में यूज होता है, ठीक है, कार बॉडी क्लीनर में यूज होता है, ठीक है, रस्ट स्टेन रिमूवर में यूज होता है अमोनियम बायोफ्लोराइड। देखो तो जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसी तरीके के एवरीडे साइंस टाइप के सवाल आते हैं, तो आप ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल उससे जो है आपका साइंस आएगा। आप कोई नीट का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप आईआईटी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपका जो साइंस है वो एवरीडे साइंस जैसा होगा। अमोनियम नाइट्रेट तो फर्टिलाइजर और विस्फोटक बनाने में यूज होता है, एलमोनियम हाइड्रोक्साइड तो इसमें आपका ये वाटर प्योरिफिकेशन सीवेज ट्रीटमेंट आप लिख सकते हो। तो उसके बाद आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्लास मेकिंग में होता है, गैस प्योरिफिकेशन में होता है, प्लास्टिक में यूज होता है, नेल पॉलिशिंग, ठीक है, ये लिपस्टिक में, लिपस्टिक और नेल पॉलिशिंग में यूज होता है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा है आपका अमोनियम पर सल्फेट ईचिंग सोल्यूशन, ठीक है, ईचिंग सोल्यूशन तो हेयर ब्लीच में भी यूज होता है आपका, और अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट इसको बेकर्स अमोनिया कहते हैं, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाई जाती है इसमें, ठीक है, क्रैकर्स बनाए जाते हैं, और सेरेमिक मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। चलिए तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बेरियम कार्बोनेट, तो बेरियम कार्बोनेट आपका सेरेमिक इंडस्ट्री है, और इसके अलावा जो है आपका पोल्ट्री इंडस्ट्री में यूज होता है, जो कप वगैरह बनाए जाते हैं। बेरियम सल्फेट जिसको लिथोफोन भी कहते हैं, तो ये फोटोग्राफी हो गया, कोटिंग पेपर है, और इसके अलावा एक्सरे इमेजिंग में यूज होता है, रूट कैनाल फिलिंग में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रूट कैनाल फिलिंग, बेरियम सल्फेट। और उसके बाद है आपका बिस्मथ, इसको लेड फ्री शोट या सिंकर्स भी बोला जाता है, और ये नॉन टॉक्सिक रिप्लेसमेंट फॉर ब्लड शॉर्ट एंड फिशिंग सिंकर्स प्रोडक्शन मैलिएबल आयरन। बेंजोइल परोक्साइड ब्लीचिंग हेयर, टूथ वाशनिंग सिस्टम, वाइटनिंग सिस्टम जो आपके दांत होते हैं उनको सफेद करने में यूज किया जाता है बेंजोइल परोक्साइड का, और इसके अलावा इंक स्टेन रिमूवर में भी यूज होता है। ब्यूटेन और ब्यूटेन साथ साथ इनके केमिकल फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बस देख लीजिएगा। तो ब्यूटेन का यूज हम करते हैं गैसोलीन ब्लेंडिंग में, और डीओ में यूज होता है, ठीक है, और इसके अलावा सिगरेट लाइटर्स में फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है, सिगरेट लाइटर में पूछा जा सकता है। ब्रोमिथाइल ग्लू, तो ये आपका वर्क इन रेस्पायरेटरी इंडिकेटर्स फॉर ऑब्जर्विंग फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज, और बोरिक एसिड सवाल आ सकता है आपका, ठीक है, तो बोरिक एसिड तो इसका यूज हम करते हैं, तो कई तरीके के यूज हैं इसके, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीबायोटिक्स में यूज करते हैं, और एंटीसेप्टिक्स की तरह भी यूज होता है आपका, आंखें धोने में भी काम आता है, कई बार आंखें आ जाती हैं। कैफीन देख लेते हैं, कैफीन का यूज होता है आपका कॉफी में, टी में, कोला में, और इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड स्टील मेकिंग में यूज होता है, कार्बाइड लैंप में यूज होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन भी कहा जाता है, यानी कि मार्बल चौक, ठीक है, मार्बल चिप्स, कैल्शियम क्लोराइड लॉन्ड्री एड और रोड सॉल्ट बोला जाता है, और इसको डी आई सर भी बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड को, तो हाईवे मेंटेनेंस में यूज होता है, ठीक है, सीमेंट में यूज होता है, और माइनिंग में यूज होता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर, और क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, यानी क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, वुड पल्प में भी यूज होता है।
कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम भी कहा जाता है, बायोडीजल प्रोडक्शन में यूज होता है, सीमेंट प्रोडक्शन में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेक्ड लाइम कहा जाता है, तो इसमें आपका पेस्टिसाइड्स हैं, वाइट वॉश, हेयर रिमूवल क्रीम में यूज होता है, इम्पोर्टेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम नाइट्रेट, इसको नॉर्वेजियन सॉल्ट बीटर कहते हैं, तो इसका यूज होता है आपका फर्टिलाइजर में और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। कैडमियम सल्फाइड, तो टैटू का कलर जो होता है कैडमियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, इसको जिप्सम बोला जाता है, सीमेंट बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है और शैम्पू में भी यूज़ करते हैं इसे, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, शैम्पू में भी यूज होता है। कैम्फोर, ये अभी चुका है पहले, एक्सप्लोजिव, और इसके अलावा जो है आपका मेडिसिनल लाइक एंटी माइक्रोबल एंड एनेस्थेटिक्स के रूप में यूज़ करते हैं कैम्फोर। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं और पीओपी। तो इसके अलावा जो है आपका जो हड्डियाँ होती हैं उसमें पीओपी का यूज होता है, हीलिंग ऑफ ब्रोकन एंड फ्रैक्चर बोन्स, जो प्लास्टर लगाया जाता है। इसके अलावा जो है टॉयज वगैरह बनाए जाते हैं, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन फाइबर बनाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल भी है, डायमंड भी कार्बन होता है, चारकोल भी है, और कार्बन एसिड, कार्बोनिक एसिड, तो ये आपका डर्मेटाइटाइट्स ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में यूज़ होता है। सेलुलोज, सेलुलोज पेपर प्रोडक्ट्स, और वाटर फायर रेजिस्टेंस प्रोडक्ट में यूज़ होता है, गन पाउडर में भी यूज़ होता है। साइट्रिक एसिड, सॉल्ट सॉल्ट कहा जाता है जिसे, तो रस्ट डिजोल्वर में यूज होता है, फूड को डाई करने में भी यूज होता है, तो कई जगह यूज है आपका, ठीक है। उसके अलावा सोडा और फिजी ड्रिंक्स में भी यूज करते हैं। कॉपर की बात करें तो वायर्स में यूज होता है, तांबा, उसका तो आपको पता ही होगा, और आर्किटेक्चर बहुत सारी जगहों पर यूज है। कॉपर नेप्थेनेट, उसको क्यूप्रिक नेप्थेनेट भी कहा जाता है, तो ये आपका वुड प्रिजर्वेटिव्स और लिनसीड ऑयल में यूज होता है, कॉपर सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट। और इसे जो हम देखते हैं, फंजीसाइड, हर्बिसाइड्स और फायर वर्क मैन्युफैक्चरिंग में यूज है। एनिम ब्लड टेस्टिंग में भी यूज होता है, इम्पोर्टेंट है, कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट, इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, तो ये आपका रूट किलर और गार्डनिंग एग्रीकल्चर सप्लाई और एल्गीसाइड पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। इसको जो है नीला थोता भी बोलते हैं, ठीक है, नीला थोता, तो कई जगह पर आपका यूज होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल्स मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और जो है एक डेक्सट्रोज, कॉमन नेम ग्लूकोज या कॉर्न सिरप बोला जाता है इसे, ग्रोसरी पर्पस में यूज होता है। और डाइक्लोरोमीथेन, पेंट स्ट्रिपर, एरोसोल स्प्रे, टी प्रोपेलेंट, डी कैफिनेट कैफी, इन सब में यूज होता है। ईथर, ईथर को जो है आपका इथोक्सी इथेन कहा जाता है, इथोक्सी इथेन कहते हैं, तो अल्कोहल में यूज होता है, फिनोल में यूज होता है, परफ्यूम बनाने में यूज होता है, फ्लेवर्स एनेस्थेटिक्स में यूज होता है। अगला है आपका ये यूगोनॉल, ऑयल ऑफ क्लोव भी बोला जाता है, इम्पोर्टेंट है, परफ्यूम्स में यूज करते हैं इसे। इथेनॉल को एवर क्लियर भी बोला जाता है, एंटीसेप्टिक। तो उसके अलावा तो काफ़ी सारे यूज़ हैं आपके, तो एंटीसेप्टिक तो है ही, इसके अलावा आपका रॉकेट फ्यूल,
इंजन फ्यूल, ठीक है, और पेंट और ये आपका हीटिंग वगैरह में भी यूज होता है इथेनॉल। फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं, उसको मैथोनिक एसिड भी कहते हैं। अगर चींटी के काटने से जो होता है थोड़ा सा दर्द सा, वो आपका फॉर्मिक एसिड ही होता है ना, तो चींटी के डंक में भी यही होता है। तो इसके अलावा जो है आपका रबर प्रोडक्शन में यूज़ है इसका, और टॉयलेट बाउल बाउल क्लीनर में भी यूज़ करते हैं, लेदर प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर बोला जाता है, ठीक है, फ्रक्टोज आपकी जो है ये शहद में होती है, हनी के अंदर, ठीक है, डाइजेशन फ्रक्टोज। और इसके अलावा जो है आपका ये फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लीवर के लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद आपका ग्लिसरीन की बात करें तो स्किन टोनर बनाया जाता है इसका, मॉइस्चराइजर बनाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड गोल्ड जिलेवरी, गम अरेबिक, गम एकेसिया, बाइंडर ऑफ वाटर कलर पेंटिंग। नेक्स्ट है आपका ये हाइड्रोजन, इसकी बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है आपका, तो हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन बम भी बनाए जाते हैं इसमें, और कूलेंट में भी यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको मैसनरी क्लीनर भी बोला जाता है, तो ये आपका कई जगह यूज़ है आपका, तो स्टील पिकलिंग्स और आयरन एक्सचेंजर, रीजनरेशन, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोडक्शन में यूज है। हेक्सामाइन, तो हेक्सामाइन है आपका, ये फूड एडिटिव्स है, ठीक है, एक्सप्लोसिव भी है। हीलियम की बात करें तो ट्रीटिंग एस्थमा, बार कोड रीडिंग में यूज होता है, बार कोड रीडिंग में। और इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी एज ए फ्यूल, तो स्पेस में टेक्नोलॉजी में फ्यूल की तरह यूज होता है, बार कोड रीडिंग इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसको गैस इचिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं, ऑयल रिफाइनरी में यूज होता है, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी में यूज होता है। और हाइड्रोजन परोक्साइड, तो ये आपका हेयर ब्लीचिंग और नेल वाइटनिंग में यूज होता है, फुट फंगस ट्रीटमेंट में भी यूज होता है हाइड्रोजन परोक्साइड, इसको परोक्साइड ही बोलते हैं। लॉन्ड्री ब्लीच, हाइपोक्लोरस एसिड, ग्रोसरी स्टोर। तो अगर हम आयोडीन की बात करें तो ग्रीस्ड हेल्थ में यूज है इसका, आयोडीन का। और उसके अलावा जो है आपका रेडिएशन एक्सपोजर में यूज होता है आयोडीन का। और आयरन तो आप जानते हो, मैन्युफैक्चरिंग और वायर्स, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट जो है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कलर बनाने में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कलर मेकिंग में यूज होता है आयरन सल्फेट का, इम्पोर्टेंट है। फेरिक क्लोराइड, इचिंग सॉल्यूशन, तो सर्किट बोर्ड्स बनाए जाते हैं फेरिक क्लोराइड। और फेरिक ऑक्साइड, रस्ट बोला जाता है इसे, ठीक है, रस्ट। चलिए, तो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप इसमें से इसका याद। कैरोसिन ऑयल, इसको एवियन फ्यूल भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा आप। तो लैम्प्स, पेंट और इंडस्ट्री हार्डवेयर स्टोर में यूज़ होता है। लैक्टिक एसिड, मिल्क एसिड कहते हैं इसे, ब्लड टेस्टिंग में यूज़ होता है, डिटर्जेंट में भी यूज़ करते हैं। और लेड, लेड आपका चार्जेबल बैटरीज में यूज़ होता है। और लेटेक्स, तो लेटेक्स आपका नेचुरल रबर, तो उसको लिक्विड लेटेक्स बॉडी पेंट भी कहा जाता है। बैलून्स, गट्टा पर्चा, चीविंग गम, ठीक है, कोटिंग ग्लू लेटेक्स का यूज होता है। लिनसीड ऑयल, तो लिनसीड ऑयल, अब इसमें आप लिख सकते हो पेंट बाइंडर। लिथियम, लिथियम पर कई बार सवाल पूछे जाते हैं, मेंस में भी आए हैं। पोर्टेबल बैटरी, वर्क्स एज फ्लक्स इन प्रोसेसिंग ऑफ सेरामिक्स, क्लाइस, लुब्रिकेटिंग ग्रीस, मेटलर्जी में यूज होता है। और मेकिंग ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस, मिलिट्री एप्लीकेशन एज रॉकेट फ्यूल्स में भी यूज होता है लिथियम का। एयर प्योरिफिकेशन में भी यूज है आपका लिथियम का, इम्पोर्टेंट, पक्का याद होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम फायर स्टार्टर,
फायर स्टार्टर इसका कॉमन नाम है मैग्नीशियम का। तो काफ़ी सारे यूज़ हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है, एयरक्राफ्ट है, ठीक है, फायर वर्क्स है, मैन्युफैक्चरिंग और बेवरेज कैंस हैं, कई सारे हैं। उसके बाद आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, एंटा एसिड, जो एसिडिटी हो जाती है कई बार हम ले लेते हैं डाइजिंग वगैरह, तो एंटा एसिड का यूज़ होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फायर रिटार्डेंट भी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एथलीटिस एथलीट्स चोक, फायर प्रूफिंग, कॉस्मेटिक्स और टूथपेस्ट में यूज होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम लेवर बोला जाता है इसे, तो कॉमन नेम भी पूछा जा सकता है। तो उसके अलावा फोटोग्राफिक डेवलपमेंट में यूज होता है, मेडिसिन में यूज करते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट, जिसको टैल्क बोला जाता है, तो टैल्कम पाउडर बनाया जाता है इसका मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम क्लोराइड को निवारी बोला जाता है, और विंड इरोजन मिटिगेशन और डीआइसिंग ऑफ हाईवे, डीआइसिंग ऑफ हाईवे मैग्नीशियम क्लोराइड गिराया जाता है। मरकरी क्विक सिल्वर बोलते हैं इसे, इन सब में बैरोमीटर में मैनोमीटर में इन सब में इनका यूज होते हैं थर्मामीटर में। अगला है आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड, पायरोलुसाइड बोला जाता है इसे कॉमन नेम, और ग्लास मेकिंग में यूज होता है इसका, और पेंटिंग्स वगैरह में यूज होता है। मैथेनॉल फ्यूल फॉर व्हीकल्स, मैथेनॉल और मिथाइल इथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन, तो रबर बेस इंडस्ट्रियल सीमेंट, प्रिंटिंग इंक में यूज है। मिथाइलिन ब्लू और मिथाइलिन ब्लू तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल इंजर्ड फिशेस, इम्पोर्टेंट है और फिशन यूज में भी था, दा हिंदू में बना हुआ था। और मिथाइलिन क्लोराइड तो जिसको डाइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, यूज एज डी ग्रीसर, एडेसिव रिमूवर, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मोनोसोडियम ग्लूटोमेट फ्लेवर एनहांसर, ये बहुत यूज में था, पीछे आपने देखा होगा ना, ये क्या नाम था उसका, वैसे तो ब्रेड में भी यूज होता है, ठीक है, सॉफ्ट करने के लिए, और बड़ा न्यूज में रहता है, ठीक है। पीछे जो है जो कुछ ऐसे पर्यावरणविद थे जिन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था, इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट, ठीक है। और जो लोग ये नहीं, वो आपकी घर में बना लेते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं उसे, मैगी टाइप, उसमें भी ये न्यूज़ में था उस टाइम पर। चलिए नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का यूज़ आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, फायर सेपरेशन सिस्टम, तो इसके अलावा इनडेसेंट लाइट बल्ब काफ़ी जगह यूज है, निकल मेकिंग यूटेंसिल्स, और नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस बोलते हैं जिसे, रॉकेट मोटर्स में एज ए फ्यूल यूज होता है, ऑक्सीडाइजर यूज होता है, ठीक है, इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ऑक्सीडाइजर यूज करते हैं। और इसके अलावा आपका नेफ्थालीन मॉथ बॉल्स बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बुकबोलियों के उसमें शीशे के अंदर नहीं मिलती, कई बार हमें थैली मिलती है, तो वेटिंग एजेंट है आपका। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का यूज़ आपका स्टील इंडस्ट्री में, पीवीसी में होता है, एंटी फ्रीजर है, कटिंग मेटल्स में यूज़ होता है, ऑक्सैलिक एसिड डस्ट रिमूवर है, और बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बाकी रीड आप सभी कर लीजिएगा। फिनोल एंटीसेप्टिक पेंट स्टिकर्स में यूज़ है आपका, सनस्क्रीन में भी यूज़ करते हैं फिनोल का, बैकेलाइट भी है, पैराफिन, पैराफिन आपका मेडिसिन एग्रीकल्चर में यूज होता है, और वाटर प्रूफिंग एजेंट भी है। उसके बाद आपका फिनॉल फेडेटिलथीन इंडिकेटर ऑफ एसिड बेस लुब्रिकेंट, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अगला जो है ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो आप। तो उसके बाद आपका फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड बेवरेजेस में यूज होता है, रस्ट रिमूवल में यूज होता है, डेंटिस्ट्री में यूज होता है, पॉलिस्ट्रीन, इसको कास्टिंग रेजिन बोला जाता है, फूड पैकेजिंग, ठीक है। तो और
सारी जगहों पर यूज करते हैं इंसुलेशन। पोलियर इथेन फर्नीचर बेंडिंग एंड बेडिंग में यूज होता है, फुटवेयर में यूज करते हैं। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को एलम कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा एलम सब बनाने में यूज है आपका। और इसके अलावा जो है आपका एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है, और ब्लड कोगुलेंट करने में भी यूज होता है। पोटाशियम कार्बोनेट को पोटाश बोला जाता है। सोइल फर्टिलाइजर टेक्सटाइल में यूज है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज है, बेकिंग सोडे में यूज होता है। पोटाशियम ब्रोमाइड ऑप्टिक्स और फाइबर फोटोग्राफी में यूज करते हैं। पोटाशियम क्लोराइड, तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको सबको कि आज मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे केमिकल के बारे में और उनके यूजेस के बारे में, ठीक है, तो आपने इनको याद करना पड़ेगा सबको। सब बाकी मैंने सब ये पढ़ दिए हैं आपके सामने। और इसके अलावा है आपका ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास बायोडीजल में भी यूज़ करते हैं। और इसके अलावा पोटाशियम आयोडाइड थायरॉयड ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, और रेडिएशन पिल भी बोलते हैं इसे। पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड कैम 10 टैबलेट्स वाइन और बियर इंडस्ट्री में यूज होती है। कोकोनट क्रीम प्रोडक्ट प्रोडक्शन में यूज करते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट सोल्ट पीटर बोला जाता है, टूथपेस्ट बनाने में काम आता है। पोटाशियम परमैंगनेट क्लियर वाटर बोला जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। और उसके बाद है आपका ये पोटाशियम सोडियम टार्टरेट, इसको रोकेल सोल्ट बोलते हैं, ड्रग स्टोर में यूज होता है। सिलिकॉन कार्बाइड कार्बोडम बोला जाता है, सवाल भी पूछे गए हैं पीछे। यूज्ड इन एब्रेसिव एंड मेकिंग एंड कटिंग मेटल्स, ग्रेफिन में यूज होता है। ग्रेफिन तो आप समझते हो ना, ग्रेफिन वो होता है आपका जो टच होती है आपकी, मोबाइल की टच नहीं होती है, ग्रेफिन की नहीं होती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका ये आपका प्रोडक्शन ऑफ ग्लास एंड सिलिकॉन सिल्वर। सिल्वर आपका वाटर प्योरिफिकेशन ज्वेलरी बनाने में यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है, ग्लास कोटिंग में भी यूज होता है। सोडियम एसिटेट जिसको हैंड वार्मर कहते हैं, तो हैंड वार्मर इसको बोला जाता है, यही आपसे पूछ लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा बहुत बार सवाल पूछा गया है, जो खाने का सोडा होता है। सोडियम बोरेट तो वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा ये बहुत बार पूछा जाता है, इनका केमिकल फॉर्मूला भी पूछते हैं। और इसके अलावा सोडियम क्लोरेट हर्बिसाइड है, सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl फायर फाइटिंग में भी यूज होता है। और NaCl तो आप जानते ही हो, ठीक है, फ्लेवर एनहांसर भी है। और सोडियम फ्लोराइड वाटर ट्रीटमेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिसको लाई या कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, तो फूड प्रोडक्शन में केमिकल पल्पिंग में यूज है। बाकी रीड आप सारा कर लीजिए, जो मुझे ठीक लगता है कि भाई इसमें ये फैक्ट बन सकता है वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। सोडियम हाइपोक्लोराइट ब्लीच, और इसके अलावा आपका है सोडियम नाइट्रेट चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं, गन पाउडर में यूज होता है इसका। सोडियम फॉस्फेट और डिटर्जेंट में यूज करते हैं। सोडियम सिलिकेट तो एग और प्रिजर्वर और वाटर ग्लास बोला जाता है। तो ये है आपका ड्रिलिंग फ्लूइड्स। सोडियम सल्फेट वुड पल्प और सोडियम जो है आपका ये थायोसल्फेट, देख लेते हैं इसमें क्या सवाल पूछा जा सकता है। गोल्ड एक्सट्रैक्शन में यूज है, लेदर टैनिंग में यूज करते हैं। स्टेरिक एसिड इसको कैंडल हार्डनर भी कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। सोप्स और कॉस्मेटिक डिटर्जेंट प्रोडक्शन में यूज करते हैं। स्टील स्टेनलेस स्टील सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड जिसको विट्रियोल भी कहते हैं,
इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होता है, टैनिक एसिड जिसमें टैनिन होता है यानी उसको टैनिन बोला जाता है, और बियर क्लैरिफिकेशन है। इसके अलावा एरोमिक कंपाउंडिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स भी है आपका, एक टार्टेरिक एसिड, वाइन प्रिजर्वेटिव बोलते हैं इसे, और कफ सिरप में भी यूज करते हैं। इसके अलावा आपका थाइमोल, थैलीन, डिसअपीयरिंग इंक, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम वाइट सोलर सेल में यूज होते हैं, टोलुइन, सेलुलोज थिनर बोला जाता है, ऐसा फ्यूल में यूज होता है, और हीमोग्लोबिन एक्सट्रैक्टर भी है, टंगस्टन जो बल्ब का तार होता है, डब्बू से दिखाते हैं इसे, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, और टर्पेंटाइन प्रोडक्शन ऑफ थिनर, थिनर के यूज में होता है, यूज यूरिया, आइस मेल्टर, फर्टिलाइजर, सिगरेट, टूथ वाइपिंग में यूज होता है, और डिश सोप मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज करते हैं, ज़ाइलीन पेंट स्टोर में, जिंक ब्रोंज बनाने में, जिंक ऑक्साइड रबर मैन्युफैक्चरिंग, सिगरेट फिल्टर बनाने में, और जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर में, स्प्रे में, जिंक क्लोराइड स्किन कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, सोल्डरिंग में भी यूज होता है, इसको टिनर्स फ्लूड कहते हैं। तो ये कुछ गैसेस हैं, गैसेस पे भी सवाल पूछा जाता है, ऑक्सीजन वेल्डिंग मेडिकल यूज, नाइट्रोजन तो फायर सेपरेशन, हीलियम बैलून्स में भरी जाती है, बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में भी यूज होती है, ऑर्गन ये भी वेल्डिंग में यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक्स में, एसिटिलीन बात हम कर चुके हैं, प्रोपेन गैस ग्रिल्स में यूज होती है, ब्यूटेन फ्यूल फॉर लाइटर्स एंड टॉर्चेस, नाइट्रस ऑक्साइड तो प्रोपेलेंट फॉर विंडो टॉपिंग और एनेस्थेसिया में यूज करते हैं, कूलेंट की तरह यूज होती है, एयर कंडीशनर में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, ऑर्गन की बात मैं कर चुका हूँ अभी, तो एक गैस दोबारा से एक बार थोड़ा सा और डिटेल दिया है, इसको आप एक बार रीड कीजिए, हीलियम की बात हो चुकी है, और नियोन की बात कर लेते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब्स में यूज होती है, जीनोन और क्रिप्टोन का फोटोग्राफिक फ्लैश में यूज होता है, के फोटोग्राफिक फ्लैश में यूज होता है, तो ये डिफरेंट लाइट्स के जो डिफरेंट लाइट्स बनाने में यूज होते हैं आपका जीनोन क्रिप्टॉन का। तो ये कुछ आपके केमिकल और गैसेस जिनका हमने यूजेस देखा है, तो थोड़ा सा जो है आपको टाइम तो लगेगा याद करने में, तो लेकिन अच्छे से आप याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए, आज थोड़ा सा लेक्चर भी थोड़ा सा लंबा हो गया, तो कोई बात नहीं है, जो ये नॉलेज है आपको बहुत काम देगी, आपके एग्जाम में बड़ी मदद मिलेगी। बाकी हमारे स्टडी मटेरियल के प्रोग्राम चले हुए हैं और टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम भी चले हुए हैं, ठीक है, तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि जैसे कि हम बिना पानी में उतरे स्विमिंग नहीं सीख सकते, वैसे ही हम बिना टेस्ट करे अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो पढ़ने के बाद आपने टेस्ट भी ज़रूर करने हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो इस एग्ज़ाम का लेवल है उसको हमने बड़ा ध्यान में रखा, क्वालिटी मेंटेन रखी है अपने टेस्ट की, कोशिश की है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करवाएं, ठीक है, तो वो सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना भी हमें अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर आपके लिए हम सवाल लेकर आए। तो ऑनलाइन क्लासेस, हमारी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।